हेलो दोस्तों, आप देख रहे थे हाउस प्लान। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे विलेज हाउस। 6 बेडरूम का ये हाउस डिजाइन है दोस्तों। 6 बेडरूम आएगी इसमें, जैसा कि आप देखेंगे अभी पूरी डिटेल। ये इसकी एलिवेशन है दोस्तों। इससे अब सिंपल ही इसे डिज़ाइन किया गया है, विलेज के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। तो इसकी ये वॉक थ्रू वीडियो है, जैसा कि आप देखेंगे अभी पूरी वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें 6 बेडरूम है टोटल, और 3 कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम है और एक किचन है। और इसमें ये हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे दोस्तों। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 35 फीट है और लंबाई 45 फीट है। और यहाँ पे सामने में बैठने के लिए एक पोर्च बनाया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमारा मेन डोर है। और एंट्री करने के साथ ही हमें एक बड़ा सा हॉल और ये मिलता है दोस्तों। और इसमें आप चाहे तो डाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसमें टोटल 6 बेडरूम है, तो ये बेडरूम नंबर 1 है। जैसे कि हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, ये बेडरूम नंबर 1 होगा। इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ हमारा 10 फीट बाई 10.6 फीट है। और ये इसकी एलिवेशन, इंटीरियर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से, टाइल्स वगैरह। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तो भी सब कुछ समझ में आ जाएगी। और इसकी प्लान चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा, यहाँ से हम लोग निकलेंगे और हम बेडरूम नंबर 2 में जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों हमारा बेडरूम नंबर 2 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसकी भी साइज़ की बात करें तो सेम है, 10 फीट बाई 10.6 फीट। और ये इसकी इंटीरियर की डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। आप लोग को अपने हिसाब से प्लान या डिज़ाइनिंग करवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर से हॉल में आ गए, और यहाँ से हम लोग जाएंगे बेडरूम नंबर 3 में। ये हमारा बेडरूम नंबर 3 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और बेडरूम नंबर 3 की साइज़ की बात करें तो ये भी सेम है। और इसमें एक टॉयलेट कम बाथरूम अटैच है, जो जिसकी साइज़ 7 फीट बाई 4 फीट है, ये आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बेडरूम नंबर 4 में जाएंगे। अब बेडरूम नंबर 4 में भी एक टॉयलेट कम बाथरूम अटैच होगी। जो बाथरूम है वो स्टेयर के नीचे में है। ये हमारा, इसकी भी साइज़ की बात करें तो सेम है, 10 फीट बाई 10.6 फीट। और ये हमारा बेडरूम नंबर 4 है, इसमें एक टॉयलेट कम बाथरूम अटैच है। इसकी साइज़ 7 फीट बाई 3 फीट है, चौड़ाई 3 फीट है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलेंगे, निकल करके कॉमन टॉयलेट की ओर जाएंगे। ये हम यहाँ से जाएंगे दोस्तों। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, कम बाथरूम है। इसकी साइज़ की बात करें तो 7 फीट बाई 6 फीट है, 5.6 फीट है सॉरी। और आप चाहे तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग किचन की तरफ चलेंगे। ये हमारा किचन है, बड़ा किचन है दोस्तों। इसकी साइज़ 11.6 फीट बाई 8 फीट है, बड़ा किचन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बेडरूम नंबर 5 में जाएंगे दोस्तों। ये हमारा बेडरूम नंबर 5 है, जिसकी साइज़ की बात करें तो दोस्तों 11 फीट बाई 10 फीट है। और इसकी इंटीरियर की डिज़ाइन कुछ इस तरह से है दोस्तों। इसकी डोर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिया गया डिज़ाइन, ये पैटर्न पे किया गया काम। उसके बाद दोस्तों हम लोग बेडरूम नंबर 6 में जाएंगे दोस्तों। ये हमारा बेडरूम नंबर 6 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी भी साइज़ सेम है बेडरूम नंबर 5 की तरह, 11 फीट बाई 10.6 फीट। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले, और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद दोस्तों हम लोग स्टेयर से होते हुए छत पर जाएंगे। छत से एक बार देखेंगे टॉप व्यू दोस्तों। ये हमारा स्टेयर है, स्टेयर की चौड़ाई 7 फीट है। यू स्टेयर बनाया गया दोस्तों। अब ये हम लोग छत से देखेंगे दोस्तों, और ये सामने से कुछ इस तरह से दिखेगा। सामने में रेलिंग लगाया गया है, एक साइड में ब्रिक वर्क पे भी काम किया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए जरूर बहुत बहुत शुक्रिया।